टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने चिमनी के फिल्टर्स कैसे साफ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिमनी का जो फिल्टर है उसको निकाल लिया है और उसको एक पेपर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा चिकनाई है उसको साफ़ कर दिया है। और अगर आपके पास बड़ा टब ना हो तो आप भी मेरी तरह ऐसे सिंक यूज़ कर सकते हैं। सिंक के अंदर मैंने एक कटोरी रखी है जिसके अंदर मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और इसमें इसके अंदर मैं गर्म पानी भर लूँगी सिंक के अंदर। तो ये जो मेरी टैप आप देख रहे हैं इसमें से गर्म पानी ही आ रहा है, गीज़र के साथ कनेक्टेड है ये। तो ये मैंने चिमनी के फिल्टर्स जो हैं सिंक के अंदर मैंने ऐसे भिगो के रख दिए हैं और बीच बीच में से इनके ऊपर मैं ब्रश से क्लीनिंग करती रही। तो ऐसे आपने साफ़ करते रहना है बीच बीच में से। जो ये लंबे वाली स्पेस है इसको तो हम टूथब्रश की हेल्प से क्लीन करेंगे और वैसे जो बाकी चिमनी के फिल्टर्स हैं उनको आप जो स्क्रबर मिलते हैं रेगुलर उनके साथ आप साफ़ कर सकते हैं। तो चिमनी के फिल्टर की जो चिकनाई थी, ज़्यादा जो ऑयल था वो सारा साइड्स में इकट्ठा हो रहा है, हमें ज़्यादा जो हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सारी चिकनाई जो है वो निकल चुकी है, जो थोड़ी बहुत रह भी जाएगी उसको हम बाहर निकाल के किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर देंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जितनी भी चिकनाई है साइड में आ गई है। तो अब मैं इसका जो पानी है उसको चेंज कर दूँगी और दोबारा से इसको फिर से गर्म पानी में वॉश कर लूँगी, क्योंकि गर्म पानी में जितना भी ऑयल होता है या घी होता है बड़ी इजीली वो निकल जाता है फिल्टर्स में से। तो जो चिमनी के जो फिल्टर्स हैं आप मंथ में एक बार तो ज़रूर साफ़ कीजिए। ये मैंने इसका पानी चेंज कर दिया है। तो जितनी जल्दी आप इसके फिल्टर साफ़ करेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इसको साफ़ करने में, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम बन जाता है अगर हम ज़्यादा देर इसको साफ़ नहीं करते। तो ये मेरी चिमनी के फिल्टर्स जो हैं ये साफ़ हो चुके हैं, देखिए कैसी इसमें शाइन आ रही है। इसको मैं अब सूखे कपड़े से साफ़ करके चिमनी के ऊपर लगा दूँगी। तो ये था मेरा फ़िल्टर क्लीनिंग का वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर